This video contains 10 vocabulary building words for 22 March 2021. All the words in the video have been taken from the article sent on this day. The first word for the day is precarity. The word has been taken from the article Rising Poverty. उसके paragraph 2 में देखेंगे, वहाँ पे एक line है. उसमें एक line है, the fiscal policy responds to address this massive increase in precarity. Precarity का मतलब होता है, a condition of uncertain और insecurity, जो चीज़ not reassuring हो, ठीक है, unstable हो, जैसे कहते हैं अनिश्चित, श्योर नहीं है हम जिस चीज़ के बारे में, इनसिक्योर है, अनसेफ है, वो चीज़ होती है, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड precarious, precarity. सेकेंड वर्ड फॉर द डे इज timed. ये भी हमने सेम आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है राइजिंग पॉवर्टी. उसके पैराग्राफ 2 में एक लाइन है, नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी बीस टाइम्ड. टाइम्ड का मतलब होता है रुकावट, रुक जाना, लाइक हिंडर्ड और प्रिवेंटिंग प्रोग्रेस, समथिंग दैट इज ब्लॉक्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, फॉरबिड. द थर्ड वर्ड ऑफ द डे इज ड्रजरी. ये वर्ड मैंने नेक्स्ट आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क. उसके पैरा 2 की फर्स्ट लाइन में, पैरा 2 की जो फर्स्ट लाइन है वहाँ लिखा है ये वर्ड, वहाँ लिखा है दिस वर्क इज रेपिटेटिव, बोरिंग एंड फ्रीक्वेंटली ड्रजरी. ड्रजरी का मतलब होता है लाइक एक चीज़, एक काम जो बहुत ही मेहनत से करना पड़ता है, समथिंग दैट इज लेबोरियस, ठीक है, वही हार्ड मोनोटोनस रूटीन वर्क, ठीक है, ड्रजरी वो चीज़ हो गई, उस तरह का काम हो गया, लाइक डोंकी वर्क. डोंकी मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं गधे की तरह काम करते रहना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मेहनत वाला काम, बार बार, ठीक है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है वो वर्क, ठीक है, बहुत ही मोनोटोनस होता है, बहुत ही मेहनत वाली चीज़ होती है. द फोर्थ वर्ड इज़ ट्रंकेटेड. ये भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क. उसके पैरा 7 में एक लाइन है दैट इज़ नैरो, पार्शियल एंड ट्रंकेटेड. ट्रंकेटेड का मतलब होता है टू मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग, टू शॉर्टन समथिंग अप, टू कट इट, ट्रिम इट, रिड्यूस इट, जैसे काट छांट करना, किसी चीज़ को छोटा करना, उसको कहते हैं ट्रंकेटेड. द फिफ्थ वर्ड ऑफ द डे इज ओलिगार्की. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल जिसका टाइटल है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट. उसके पैरा 1 में एक लाइन है टू क्रिएट एन इकोनॉमिक ओलिगार्की. ओलिगार्की इज अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नड बाय अ फ्यू पीपल. जब किसी चीज़ में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो, मतलब, ठीक है, और उन्हीं लोगों के पास पावर हो सब कुछ करने की, तो उस तरह को क्या कहते हैं, ओलिगार्की. उस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे ओलिगार्की. सिक्स्थ वर्ड इज प्लेनिपोटेंशरी. भी मैंने सेम आर्टिकल से लिया है जिसका टाइटल है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट. उसके पैरा 3 की सेकेंड लास्ट लाइन है जो वहाँ लिखा है विच गिव्स द कमीशन प्लेनिपोटेंशरी पावर्स. प्लेनिपोटेंशरी का मतलब होता है हैविंग फुल पावर टू रिप्रेजेंट अ गवर्नमेंट, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर है कि वो गवर्नमेंट को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट कर सकती है. इट ऑल्सो रिलेट्स विद नेगोशिएटिंग स्किल्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स, ठीक है, पावर टू नेगोशिएशन का जो होता है, जो हम कहते हैं कि ही इज सच अ डिप्लोमैट, ठीक है, तभी भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. द सेवेंथ वर्ड इज एब्सोल्यूटिज्म. ये वर्ड मैंने टाइटल से ही लिया है नेक्स्ट आर्टिकल के जिसका टाइटल है दिल्ली बिल विल सो द सीड्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है डोमिनेंस थ्रू थ्रेट ऑफ पनिशमेंट एंड वायलेंस, ठीक है, जैसे कि तानाशाही करना, वो चीज़, किसी को डराना, धमकाना, उस पर कंट्रोल पा लेना देन, ठीक है, वो चीज़, ऑटोक्रेसी, वो होता है एब्सोल्यूटिज्म. जब एक इंडिविजुअल के पास सारा कंट्रोल हो और वो कंट्रोल भी मतलब यू नो राइटफुल कंट्रोल ना हो, वो उसने डोमिनेंस के थ्रू आपसे वो मतलब यू नो आपको वो कर रहा हो, एक्सप्लॉइट कर रहा हो, आपको कंट्रोल कर रहा हो, वो चीज़ होती है, उस चीज़ को कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म. 8th वर्ड इज़ रेजिलिएंट. ये नेक्स्ट वर्ड भी जो है मैंने टाइटल से लिया है, इसमें टाइटल है डबलिंग डाउन ऑफ अ रेजिलिएंट इंडिया. सो रेजिलियंट का मतलब होता है रिकवरिंग रेडली फ्रॉम एडवर्सिटी, डिप्रेशन और द लाइक, ठीक है, इसका मतलब है कि जब यू नो कोई प्रॉब्लम से कोई इंसान रिबाउंड करता है, वापस आता है, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं रेजिलियंट स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिटेड रहता है, ठीक है. सो अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ एक चीज़ से वापस अपने बैक उसमें आ रही है, वापस खींच के वापस अपनी जगह पर आ रही, तो इट ऑल्सो मीन्स समवट
इलास्टिसिटी, इट मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू द रिलेटेड टू इलास्टिसिटी. नाइन्थ वर्ड इज स्क्रूज. ये वर्ड मैंने लिया है आर्टिकल डबलिंग डाउन ऑफ रेजिलियंट इंडिया, उसके पैराग्राफ टू में एक लाइन है, डिस्पाइट फेसिंग स्क्रूज ऑफ द नोबल कोरोना वायरस. स्क्रूज का मतलब होता है कर्स, टेरर, थ्रेट, डिस्ट्रक्शन. ठीक है, जैसे कि समथिंग दैट कॉज, यू नो हिंदी में बोलें तो बर्बादी जिससे होती है. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस. ठीक है, सो दैट इज स्क्रूज. ठीक है, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड. टेंथ एंड द लास्ट वर्ड इज नीसेंट. ये मैंने आर्टिकल से लिया है जंक इन एफिशियंसी, उसमें पैरा टू में एक लाइन है, अ नीसेंट ईवी सेगमेंट. नीसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, समथिंग दैट हैज जस्ट बिगेन. ठीक है, समथिंग दैट इज इमर्जिंग इनसीपिएंट. ओके, सो द 10 वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे आर प्रिकैरिटी, स्टाइम्ड, डर्जरी, ट्रंकेटेड, ओलिगार्की, प्लेनिपोटेंशियरी, एब्सोल्यूटिज्म, रेजिलिएंट, स्कूज एंड नेसेंट.